नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 और जज शामिल हो गए हैं। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत 34 पदों में से 33 भर गए हैं। शपथ लेने वालों में 3 महिला जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना भी हैं, जो वरिष्ठता के हिसाब से सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। पटना के प्रज्वल ने अपने आइडिया ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बना दिया है। पटना के मीठापुर के रहने वाले प्रज्वल बैंगलोर से बीटेक और आईआईएम से एमबीए कर चुके हैं। शुरू से साइंस और कंप्यूटर साइंस में रुचि रखने वाले प्रज्वल को पता नहीं था कि भारत कॉलर ऐप इतना हिट करेगा और देश भर में लाखों सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज पहली पुण्यतिथि है। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हुआ था। उनकी पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। बिहार के अयांश की मां नेहा सिंह क्राउड फंडिंग के तहत पैसे जुटा रही हैं। इसी क्रम में वो रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के पटनवा खुर्द स्थित अपने ससुराल पहुंची। नेहा सिंह ने बच्चे को गोद में लेकर पटनवा खुर्द गांव में भिक्षाटन किया। गांव की महिलाओं ने बच्चे के इलाज के लिए यथासंभव मदद की। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को मुंबई की एक अदालत ने 1 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी ने अब इस मामले में 5 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है और 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद किए हैं। बिहार की राजधानी पटना में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अपने आवास पर खास आयोजन किया था। उन्होंने भजन संध्या के साथ पूरे विधि विधान के साथ कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया। तेज प्रताप की इस पूजा में उनके पिता लालू यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पैरा शूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीत इतिहास रच दिया है। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही इन पैरा ओलंपिक खेल में भारत की मेडल संख्या 8 हो गई है। कानपुर IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने एक नया आकलन पेश किया है। इस आकलन पर अगर हम ध्यान दें तो इससे पता चलता है कि अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में महामारी की तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। कोरोना माहौल के बीच भारतीय रेलवे की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से जंगल टी सफारी ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थान को फिर से खोलने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनों को पटरी पर लाने के लिए अपनी ओर से कवायद तेज कर दी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से बहाल तो कर ही दिया है, साथ ही साथ स्पेशल और नई ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे ने 28 जोड़ी यानी कि 56 ट्रेनों के संचालन अवधि का विस्तार अगले आदेश तक के लिए कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को BSE सेंसेक्स के इतिहास में पहली बार 57,000 आंकड़ों को पार किया है, जबकि व्यापक NSE निफ्टी 17,000 के करीब कारोबार कर रहा था। पहली बार सेंसेक्स ने 57,124.78 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 50 से 16,995.55 अंक के करीब पहुंच गया। करिश्माई रेडर प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिससे वो इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सीजन के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा है। BCCI की कमाई में बड़ा इजाफा होने वाला है। जल्द ही उसकी कमाई का आंकड़ा 5,000 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है। ये सब होगा IPL के अगले सीजन से 2 नई टीम के जुड़ने के बाद, जिनकी बेस प्राइस 2,000 करोड़ रुपए है। IPL फिलहाल 8 टीम वाला टूर्नामेंट है, लेकिन अगले सीजन में इसमें 10 टीम खेलती दिखाई देंगी। गुजरात में अंकलेश्वर प्लांट पर कोवैक्सीन की लाखों खुराक तैयार की जा रही है। ये खुराकें देश भर में पहुंचाई भी जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष CR पाटिल का कहना है कि देश को भरूच से हर महीने कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसान आंदोलन हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ है। किसान नेता राज्यपाल पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसे ही लड्डू खिलाते हुए नहीं दिख रहे हैं। सिंघू और टीक रिपोर्टर पर बैठे किसानों में से 85% से ज्यादा पंजाब से हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार के स्मार्ट मीटर आम लोगों से स्मार्ट लूट का साधन है। बिल 2-3 गुना बढ़ाकर आ रहे हैं। बढ़े बिल की शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तो आमजन बिजली के बढ़े हुए दाम से परेशान है, ऊपर से ये स्मार्ट मीटर के नाम पर धन उगाही कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने अल्जीरियाई नेवी के साथ युद्धाभ्यास किया। भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना के बीच युद्धाभ्यास अल्जीरियाई तट पर चल रहा है। यह दोनों देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में अल्जीरिया की नौसेना की तरफ से ANS एजाजर भी शामिल हुआ। देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल नए मामले 30,941 सामने आए हैं। इस दौरान 36,275 रिकवरी हुई और 350 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल देश में अभी सक्रिय मामले 3,70,640 है और जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से अभी तक 4,38,560 लोगों की जान चली गई है COVID-19 से हुई और अभी तक देश में 64,05,28,644 लोगों की वैक्सीन लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी है। इस फैसले का बिहार में भी स्वागत हो रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रजवान ने कहा कि इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री नॉर्वे की सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी RES ग्रुप को चाइना नेशनल केमिकल कॉर्प में 1 से 1.2 अरब डॉलर में खरीदने जा रही है। रिलायंस क्लीन एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसी प्लान के तहत यह RES को खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा बनाए गए 2 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने और गिराने का निर्देश जारी किया है और नोएडा अथॉरिटी की निगरानी में 3 महीने के भीतर तोड़ने का निर्देश जारी कर दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में मंगलवार को शूटिंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के सिहराज अधाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिहराज को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। क्वालिफिकेशन में 575 पॉइंट के साथ टॉप पर रहने वाले मनीष नरवाल फाइनल में 7वें स्थान पर है और दूसरे राउंड में बाहर हो गए। हॉलीवुड की तर्ज पर गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारियों में अब तेजी पकड़ ली है। यमुना सिटी में 6,000 करोड़ की लागत में 1,000 एकड़ में यह फिल्म सिटी तैयार होगी। इस फिल्म सिटी में करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिग्गज भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी एक बार एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति फिर से बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ब्लूमबर्ग की सूची में वो एक बार फिर 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस तरह वो एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी से महज 2 स्थान पीछे रह गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स में अंबानी 12वें स्थान पर काबिज हैं। भारत में 2021 टाटा टाइगर ईवी को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी कीमत 11.99 लाख रुपए तय की गई है। टाटा मोटर्स ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी कि नई टाइगर ईवी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कार होगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समूह को भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। अवैध रूप सीमा पार करने पर 8 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद 2 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई है। पाकिस्तान जेल में 8 सालों से बंद 2 भारतीय नागरिकों को वाघा बॉर्डर पर BSF के जवानों को सौंप दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को इस बात का पछतावा है कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 2018 में हुए पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस दिए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सितंबर 2018 में पंचायत चुनाव नहीं लड़ा था और 2019 में खंड विकास परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया था। तालिबान के पाकिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के रिश्तों पर पड़ने वाला है। अभी तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और वो हर हाल में उसका उपयोग भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करेगा। ऐसे में PM मोदी ने भी एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है कि अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, अभिमन्यू सिंह, मयंक प्रसून, रिया वर्मा, गुड्डू कुमार, ओमकार सिंह, राजेश सोंथियाल, मुकेश कुमार, विकास यादव, मानिश कुमार, मुकेश कुमार, रूपेश कुमार, राजू कुमार, नीतू मरथुआ, अमरजीत कुमार यादव, उपेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।